जमाल येलो पेजेस ऐसे स्टार्ट हुई कहते हैं कि हमने 81 में डॉक्टर कॉलेज से एमबीबीएस पास किया, 82 मैंने हाउस जॉब किया, 80 अब मुझे शौक था कार्डियोलॉजिस्ट बनने का कि तो वो मेरा ग्रीन कार्ड अमेरिका से आया, दो भाई अमेरिकन नेशनल थे, उन्होंने ग्रीन कार्ड भिजवा दिया था मुझे कि भाई वहाँ आकर के अपना पढ़ाई और कंटिन्यू कर लो। तो इस दौरान क्या हुआ, मेरे फादर की डेथ हो गई, अब मेरे मदर मेरे साथ थी, अब मैं अपना करियर देखता या मदर को देखता, तो मैंने मदर प्रिवेल की मेरे ऊपर और फिर मैंने ग्रीन कार्ड फाड़ा और गार्बेज में फेंक दिया। हमने कहा अब जीना मरना पाकिस्तान में, अब यहाँ पर रहते तो क्या करते। तो मेरी सिंपल एमबीबीएस मेरे मिजाज में नहीं था, तो मेरी दो सोच थी कि दुनिया में आदमी जिंदा है दो चीज के लिए, टॉप प्रायोरिटी पे क्या है, सवाब का प्रॉफिट, और दूसरी चीज क्या है, यानी मनी का प्रॉफिट, और दोनों मिल जाए तो आइडियल है। तो मैंने क्या किया कि जो अल्लाह ताला ने फ्री में इंसान को दिया हुआ है वो सवाब दिया हुआ है फ्री में, और वो आता है नियत से। और मैंने देखा अक्सर लोग ये नियत नहीं करते अच्छे काम करने के लिए जिससे फ्री में सवाब ले। तो मैंने क्या किया कि इसलिए तजारत किया कि ये सुन्नत थी, मैंने नियत किया अल्लाह ताला मैं इसलिए तजारत करूंगा कि ये सुन्नत है। अब तजारत पे तो हमने कहा जैसे ही नियत कर लिया तो उसके हर मोमेंट पे मुझे सवाब मिलना तो ऑटोमेटिक अल्लाह ताला की तरफ से इंशाल्लाह शुरू हो गया, अब उसकी बरकत शुरू हो जाती है। मैंने फिर क्या काम किया कि क्या बिजनेस करें, तो हमने देखा कि भाई दुनिया में 60% ऑफ जीडीपी ऑफ द होल वर्ल्ड इज सर्विस इंडस्ट्री, 40% जीडीपी इज मैन्युफैक्चरिंग। तो हमारे मेडिकल में होता है एक्सक्लूजन थ्योरी, क्या हम नहीं कर सकते, हम यकीनन मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते थे, जो कि मेरे पास पैसे टोटल मेरी पर्सनल सेविंग जो थी वो 10,000 रुपए थी। अब मुझे 10,000 रुपए के अंदर बिजनेस करना था, तो नियत कर लिया ये अच्छा काम किया, अब 10,000 रुपए में क्या करें। तो अब सोचा कि दुनिया में क्या क्या बिजनेस होते हैं जो पाकिस्तान में नहीं होता, तो मैंने देखा दुनिया में हर मुल्क ने येलो पेजेस बनाई है बिजनेस डायरेक्टरी, पाकिस्तान में नहीं बनती थी, और ये एक ऐसा बिजनेस था जो कैपिटल इंटेंसिव नहीं था, तो इसमें लोग एडवर्टाइजमेंट देंगे और फिर येलो पेज सेल होगी इससे हमारी। तो हमने ये बिजनेस सेलेक्ट किया, तो हमने 1983 फरवरी के अंदर ये कहा ये बिजनेस स्टार्ट करें। अब करें क्या, ऑफिस कहाँ लें, उस 10,000 में से मैनेजमेंट करना था, तो मैंने सदर में जीपीओ के सामने एक ऑफिस था करीम सेक्टर, वो हमने दो साइड पे उस पर शटर थी, एक दुकान थी 10 फीट बाई 10 फीट की, वहाँ पर मैंने 600 रुपये महीने पे एक मैंने दुकान किराए पे ली, और मेरे पास फोन लगाने के पैसे नहीं थे, तो मैंने पड़ोसी में एक एक्सपोर्टर थे उनसे लिया कि भाई आपका भी मंथली बिल पे कर देंगे, उनसे मैंने एक फोन लिया और आरामबाग से 1500 रुपीज़ का फर्नीचर लिया हमने, और दो टेबल वही फर्नीचर में था वहां पे लेकर के, एक मैं सेल्फ एम्प्लॉयड था और एक साहब को मैंने और जॉब पे रखा और मैं वहां पे बैठ गया। वहां से हमने ये कंपनी बनाई और कंपनी का नाम मैंने रखा कि जिससे लोग इम्प्रेस होते थे उस जमाने में अमेरिका से, तो मैंने यूएस पब्लिशर्स नाम रख दिया ऐसे ही, और रख करके और मैंने येलो पेजेस की एक जमाल येलो पेजेस की बुनियाद डाली। यहाँ चूंकि ब्रांड नेम डालना था, येलो पेजेस जेनरिक नेम, तो मैंने हमारे सगे बड़े भाई अमेरिका में थे उनका नाम आरिफ जमाल था, तो मैंने जमाल येलो पेज कर दिया। पहले मेरे फादर का नाम हाजी निजामुद्दीन, तो मेरा नाम खुर्शीद निजाम था, और उनका वो भी सारे सगे बेटे हैं, लेकिन हमारे चूंकि एक जमींदारी का स्टाइल था तो हर भाइयों के नाम अलग अलग, सर नेम अलग अलग, अनीस अहमद, आरिफ जमाल, महबूब आलम सिद्दीकी, मेरा नाम, मैं सबसे छोटा था, मेरा नाम फादर के सामने अटैच था खुर्शीद निजाम। हमने निजाम किया तो निजाम ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड था, निजाम टेंट हाउस के नाम, तो अब नहीं कर सकते, तो फिर मैंने जमाल से रख दिया, उस नाम की कोई चीज मार्केट में नहीं थी, ताकि वो ब्रांड नेम, ब्रांड पावर होती है, ब्रांड नेम मैंने बजाय जमाल येलो पेज हमने कर दिया। वहां से हमने इसकी बुनियाद डाली और बड़ी एफर्ट की मार्केट में, लेकिन बहुत स्ट्रेटजी, जबकि हमने मार्केटिंग उसकी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, लोगों ने कहा कि भाई ये नहीं होगा। मैं खुद मेहनत करता था, ओरिएंट में जाता था हाशमी साहब के पास, उनके पास, तो सबने कहा कि बेटा जो तुम्हारे पास 3-4 लाख रुपए हैं वो डूब जाएंगे, तो बेहतर है कि तुम वही प्रैक्टिस कर लो कहीं। किसी को ये नहीं बताता मेरे पास 10,000 रुपए हैं, उसी से सारा काम कर रहा हूँ और मेहनत करता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि जब अपनी कंपनी की जहां मार्केट में लड़के जाए, तो लड़के मैंने रखा कमीशन के ऊपर, क्योंकि मेरे पास सैलरी देने के पैसे नहीं थे, तो मैंने शुरू शुरू में 40% कमीशन रखा कि भाई जो भी बिजनेस लाएगा तो भाई 100 रुपीज हमें देगा तो हम 40 रुपीज उसको दे देंगे। यहाँ लड़के जाते थे मार्केट में, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, कहते थे भाई कौन कंपनी है, आज है कल भाग जाए। तो हमने पहला इफेक्ट क्या देखा, कंपनी की क्रेडिबिलिटी बनानी है, तो बनाने के लिए मैंने कहा कि मैं क्या करूं, पब्लिसिटी का पैसा नहीं है जिससे कोई लोग हमको जाने, तो मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर था डायरेक्ट मार्केटिंग का,
मैं बिलीव करता था डायरेक्ट मार्केटिंग से रिजल्ट आता है, ताकि उसमें फोकस करके आदमी काम करता है। तो मैंने क्या किया कि कॉल किया, एक आइडिया आया कि हमने यूएस कमर्शियल काउंसलर को कॉल किया और मैंने उनसे कहा, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला, तो वो अपॉइंटमेंट दे नहीं रहे थे। उन्होंने कहा भाई, उनके जो असिस्टेंट होते हैं वो पाकिस्तानी थे, उन्होंने कहा भाई ऐसे अपॉइंटमेंट नहीं देते जब तक एजेंडा बताएं, व्हाई यू वांटेड टू मीट हिम। तो मैंने उनको एजेंडा बताया, वो एजेंडा बताया जो उसके इंटरेस्ट का था, वो यहाँ क्यों बैठा हुआ है, टू प्रमोट अमेरिकन प्रोडक्ट इन पाकिस्तान। तो मैंने क्या किया उनसे लिया कि आई हैव एन आइडिया देन हाउ टू इंक्रीज अमेरिकन एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान, इसके लिए आई वॉन्टेड ओनली 5 मिनट्स। जब हमने ये कहा तो ये उनके चूंकि पसंद की बात थी, उन्होंने मुझे बुला लिया। जब मुझसे उन्होंने मीटिंग की तो मैंने उनसे कहा कि साहब मैं ये येलो पेज बनाना चाहता हूँ और यहाँ पे अमेरिकन कंपनीज डायरेक्ट भी हैं और इनडायरेक्ट थ्रू एजेंट्स भी हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनका डिटेल किसी को नहीं पता कि भाई वो कंपनी कहाँ कहाँ बैठती है, तो उनकी कंपनी में ये येलो पेज में हम हर एक का नेम एड्रेसेस देंगे विद प्रॉपर क्लासिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नो चार्जेस। इसके लिए हम चाहते हैं आप एक सर्कुलर कर दीजिए उसके लिए। तो वो बड़ा खुश हुए और उन्होंने कहा यस दिस इज नो प्रॉब्लम आई कैन डू दैट बिकॉज आई एम नॉट आस्किंग मनी। तो ये मेरा एजेंडा था, बॉटम लाइन क्या था, हमको पैसा चाहिए था, लेकिन हमारा इसमें मेन एजेंडा क्या था कि हमारी क्रेडिबिलिटी बन जाए। जब अमेरिकन एम्बेसी से कॉन्सुलेट से एक सर्कुलर निकलेगा तो हमारी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बन जाएगी कि भाई ये कि भाई अमेरिकन यहाँ लोग इम्प्रेस होते हैं कोई अगर डिप्लोमेटिक चैनल से कोई कम्युनिकेशन हो। तो वो उन्होंने हमारा सर्कुलर किया तो मेरे लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज था कि 625 यहाँ एजेंट थे और 300 से ज्यादा यहाँ पर डायरेक्ट लेजर ऑफिस थे अमेरिकन कंपनीज के। तो अराउंड 1000 लोगों के पास वो लेटर गया तो मेरी कंपनी का एक क्रेडिबिलिटी 1000 लोगों के पास बनी। जब बनी वहां पर तो लोगों की ऑटोमेटिक कॉल आना शुरू हो गई कि भाई ये क्या कहते हैं मुझे नेम एड्रेसेस ये देने हैं आप आइए। इसमें अब अल्लाह ताला की मदद क्या हुई हमारी नियत की वजह से कि वो अमेरिकन जो यहाँ काउंसल जनरल था उसने ये लिख दिया लेटर में कि भाई कि दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट बट इफ एनीबॉडी वांटेड टू एडवर्टाइज द ऑप्शन इज ओपन। ये उसने एक लेटर लिख दिया तो मैंने फिर अब हमें मार्केटिंग शुरू हो गई, क्रेडिबिलिटी बन गई। हम उससे सपोर्ट से हमने मार्केटिंग ये की कि भाई आप जो है आपका तो नेम एड्रेस आएगा लेकिन अगर आपको अपनी कंपनी की डिटेल बतानी है तो दीज आर द चार्जेस ये क्वार्टर कॉलम हाफ पेज फुल पेज यहाँ पर। तो ये जब हमने शुरू किया तो वहां से हमको एडवर्टाइजमेंट मिलना शुरू हो गया और लिस्टिंग हम फ्री देते थे। फिर हमने अगला क्या किया, देखा ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल किया, हमने उसको रेप्लीकेट किया। हमने इसी तरह से कॉन्टेक्ट किया, देखा नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ जैपनीज की बहुत थी, हमने जैपनीज कॉन्सल्टेंट से अप्रोच किया, उसे किया हाउ टू इंक्रीज जैपनीज प्रोडक्ट एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान, वहां से उसने सर्कुलर करवाया, सेम रिपीट किया हमने तकरीबन 8 काउंसिल जनरल से, 8 से हमारी मार्केट में अराउंड 5000 लेटर्स निकल गए थ्रू डिप्लोमेट्स। जब 5000 लेटर निकले थ्रू डिप्लोमेट तो मेरी क्रेडिबिलिटी 5000 में हो गई। फिर वर्ड ऑफ माउथ बात फैलना शुरू हो गई, वो 5000 बात करने लगे नेक्स्ट 5000 से कि भाई ये इनका लेटर आया ये आया यहाँ पर। तो हमने पहले साल उस 10,000 रुपए से बिजनेस किया था 15 लाख रुपए का और इन 1984 फर्स्ट डायरेक्टरी जो हम निकाली थी वो 15 लाख फिर हमारा डबल ट्रिपल एवरी ईयर होता गया, ये पीछे गई नहीं। और उससे माशाल्लाह आज देख लिए कि 150 लोग परमानेंट यहाँ काम कर रहे हैं हमारी कंपनी में और कंपनी की क्रेडिबिलिटी चली गई। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ये कहानी थी लेकिन असल कहानी जो है हमारी इसके पीछे नियत एक चीज, दूसरी हमारे वालदा की दुआएं। किसी किसी दिन छूट जाता था वरना मैं रोजाना उनका सर और पैर दबा के अपने बेड पे जाता था। सारा खेल उनकी, चूंकि उनकी वजह से मैंने अमेरिका नहीं किया और मैं पाकिस्तान में रहा। और तो वो और दूसरा ये नियत की, नियत बड़ा गेम होता है, लोग नियत सही नहीं करते, लेट नहीं करते, कहते हैं कि भाई यार वॉक कर रहे हो, भाई नियत कर लो ना, इसलिए वॉक कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि ब्रिस्क वॉकिंग ये सुन्नत है, फ्री का जवाब अल्लाह ताला फ्री का सवाब बांट रहा है, लेकिन हमको फ्री के बर्गर के पीछे हम भाग रहे हैं। वो फ्री का सवाब जहां लंबा रहना है उसके लिए नहीं भाग रहे। यार खाना खा रहे हो, नियत कर लो कि अल्लाह ताला इसलिए खाना खा रहे हैं, इसलिए पानी पी रहे हैं ताकि मुझे अल्लाह ताला सेहत दे, ताकि मैं इस दुनिया में और नेक काम करूं और अल्लाह को याद करूं। ये नियत कर लो ना, यार फ्री में है ना तो तुम्हें फ्री में सवाब मिल रहा है। वैसे खाना खा रहे हो तुम्हें हेल्थ मिलेगी जो है, लेकिन सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने नियत नहीं की। तो सारा खेल नियत का है, उठते बैठते अल्लाह ताला आपको बांट रहा है फ्री में, जो इस दुनिया में भी और वो आखिरत में भी दोनों के लिए, कि भाई तुम्हें फ्री में दे रहे हैं ले लो ले लो। लेकिन हम फ्री की चीज नहीं लेते यहाँ पर। हम दुनिया की कोई फ्री की मिलती है उसके पीछे लाइन लग के क्यों लग करके एक मैकडॉनल्ड का बर्गर ले लेंगे, लेकिन जो अल्लाह ताला ने इतने लंबा दिया हुआ इंसान के लिए नेमत उसके पीछे नहीं भागेंगे।
یہی ہماری ریکویسٹ رہتی ہے لوگوں سے کہ نیت کرو یار, ہر وقت نیت کرو, ایوری ڈے نیت کرو, کھیل ہی تمہارا ختم. اس سے دنیا میں برکت ہوگی, دنیا کا منی بھی ملے گی تمہیں. یہ چیزیں ہیں ہم نے کہا بیسک, جو میں ینگسٹرز کو ہمیشہ ٹرانسفر کرتا ہوں. نالج کبھی میں چھپاتا نہیں, ٹرانسفر کبھی بھی کمی نہیں ہوتی. ہم نے ماشاء اللہ 10,000 لوگ یلو پیجز میں کام کیا ہے لوگوں نے 28 ایئرس میں, اور آئے ہیں اور اچھی اچھی جگہ پہ اسٹیبلش ہیں. ابھی ایک بندہ آیا تھا یو کے سے, وہ ہمارے یلو پیج میں کہاں سے کہاں تھا, وہ اس نے بتایا سر میں یہاں سے یہاں پہنچ گیا ہوں. ایک یہاں کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنی, ابھی وہ بلینئر بن گئے. کیا کہتے ہیں, وہ ہمارے آفس میں پہلے آفس میں ہمارے وہ 600 روپے پر منتھ پہ ایز این آپریٹر آئے تھے. کن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ شاہد رسول, ریئل ریئل مارکیٹنگ, ریئل مارکیٹنگ اس کا جو اونر ہے وہ پہلا امپلائی تھا ہمارے آفس میں یلو پیجز کا, جو ایز این آپریٹر 600 روپے میں آیا تھا. اس کو مارکیٹنگ سکھانے والا میں ہوں, اس کو پتا ہے کہ ہم آتے تھے اس کو کتنا موٹیویٹ کرتے تھے ہم یہاں پر. تو آج وہ میں جب میں جاتا ہوں تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب نہیں میں آؤں گا, آپ نہیں آئیں گے. خود آیا مجھے یہاں پہ لے کے گیا, اور آج وہ بلینئر بنا ہوا ہے ریئل مارکیٹنگ والا یہاں پہ. تو ایسے ایسے 10,000 لوگ ہیں, کہاں کہاں سے مجھے لوگ ای میل کانٹیکٹ یہ بھیجتے ہیں کہ سر آپ سے سیکھا ہم نے یہاں پہ, اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں یار دعاؤں میں یاد رکھ لینا یار, کہ دعاؤں میں رکھ لینا تاکہ آدمی مینٹل مجھے پیس, مجھے کوئی حوث نہیں ہے پیسے کے اوپر. یہاں پر میں کہتا ہوں دو وقت کی روٹی مل جائے, کپڑا اچھا پہننے مل جائے, مجھے لوگ عزت سے یاد کریں سامنے پیٹ پہ جائیں. اور میں لو پروفائل میں موو کرتا ہوں زیادہ, میرے آفس میں لوگ آتے ہیں جانتے ہی نہیں ہمارے ایگزیبیشن میں کہ ڈاکٹر خورشید کون ہے یہاں پر. اور میں اس کو انجوائے کرتا ہوں, چونکہ ادھر وہ نہیں ہے تکبر اور غرور جو گردن میں ہے نا, وہ نہیں ہے یہاں پر. گردن جھکانے کو یہ میرے والد نے مجھے سکھایا کہ بیٹا جس وقت تم اپنی گردن جھکا کر کے اپنے چپراسی سے بات کرو گے اور فیل کرو گے کہ تم بہت بڑے آدمی ہو, وہ تمہاری سکسیز آف لائف ہوگی. مطلب خوشی محسوس کرو گردن جھکانے کو, وہ تمہاری سکسیز آف لائف ہوگی. لوگ گردن اکلا کے خوشی محسوس کرتے ہیں, ہم جھکا کے خوشی محسوس کرتے ہیں. تو اب پیسہ ہی ریلیویٹ ہو گیا, چونکہ پیسہ نہیں ہوتا ہے تو گردن جھک جاتی ہے, پیسہ ہوتا ہے تو گردن اکڑ جاتی ہے. میں تو جھکانے کو انجوائے کر رہا ہوں, تو پیسہ میرے لیے ریلیویٹ ہو گیا. ہوا نہیں ہوا, بزنس کم ہوا زیادہ ہوا, آئی ڈونٹ مائنڈ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں ہر وقت دیکھے نا میں کیوں وہاں سے یہاں تک نارمل آ گیا, میرا ایکسیڈنٹ کیوں نہیں ہو گیا جہاں 6 آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ اللہ کی نعمت ہے میرے لیے, کیوں میرے پاس 2 پیر ہیں, کتنے لوگ ایک پیر ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں میں یہاں سے یہاں تک آیا, میں نارمل کیوں آ گیا؟ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آ گیا نا, اللہ کی نعمت کی وجہ سے. میری 2 آنکھ کیوں ہیں, کتنے لوگ ایک آنکھ ہے, اللہ نے مجھے 2 آنکھ دی ہے. ہم سمجھتے ہیں نہیں, ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, 2 آنکھ ہے بٹ ٹھیک ہے پیسہ نہیں ہے اللہ کا. ارے اللہ کا احسان سوچو بھائی, میں آج ہارٹ اٹیک کیوں نہیں ہو گیا مجھے آفس میں, کتنے لوگوں کو آج ہارٹ اٹیک اسپتال میں پڑے ہوئے, آج مجھے کیوں نہیں ہوا. تو اس کے مطلب یہ گھنٹہ جو اللہ نے گزارا ہے, یہ لمحہ ہمارے لیے, یہ نعمت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو یار ہر وقت شکریہ ادا کرے نا اس کا. لوگ کہتے ہیں یار اس کے بعد پیسہ ہے, اللہ نے نعمت دے دی. ارے اپنی نعمت کو دیکھنا شروع ہو گئے تو پریشان ہو جاؤ گے کہ یار کی نعمت کی انلمیٹیڈ ہے نعمت کی. تم سمجھتے ہو, سب لوگ سمجھتے ہیں اتنا گولڈ لے جائے وہی نعمت ہے. میں کہہ رہا ہوں تمہارے تمہیں گولڈ دے دے, تمہاری 2 آنکھ چھین لیں, بتاؤ چاہیے گولڈ کی 2 آنکھ چاہیے؟ فوراً کہو بھیا 2 آنکھ چاہیے. کیا کہتے ہیں, تو یہ نعمت اللہ کی. اس کوئی انسان نارمل چل رہا ہے پھر رہا ہے سکون سے, یہاں پر کوئی ٹینس نہیں ہے, پاکستان کے کوئی حالات مجھے کوئی اثر نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان حالت ہے آپ باہر چلے جائیے, ہم نے کہا نہیں یار کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کیا کہتے ہیں یہاں پر یہ سوچو کہ 2 وقت کے اللہ تعالیٰ عزت کی روٹی دے رہا ہے, لوگ پیچھے تم کو عزت سے یاد کر رہے ہیں. تو یار اس میں جو سیٹسفیکشن ہے اسی وقت ہوتا ہے جہاں پہ گردن میں تکبر اور غرور نہ ہو. یہ اور جو میں ایک بات لوگوں کو کہتا ہوں کہ پیشنس پیشنس پیشنس, صبر لائف میں, بزنس میں, فیملی لائف میں, صبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ ان اللہ ما صابرین, بھائی صبر کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے. یار یہ تو نعوذ باللہ بلیو نہیں کرو اللہ کی اس بات کو, اگر بلیو کر رہے ہو تو یار صبر کرو نا, تو کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے نا, تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ٹینشن نہیں ہوگا. آپ سمجھ لیں اللہ آپ کے ساتھ ہے. اب آپ کو ریوارڈ ابھی دے گا یا 2 گھنٹے بعد دے گا یا 2 مہینے بعد دے گا یا 2 سال بعد دے گا یا آخرت میں دے گا, دے گا ضرور. اگر آپ نے اس کے معاملے میں چلے آپ پر آپ کو یقین ہے اس کی بات پہ, اللہ تعالیٰ کا یقین کرو, بس ختم بات ہو گئی. یہ 2-4 بیسکس ہوتی ہیں. اور کبھی آپ جب بیٹھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ لائف کا میں نے اپنے 7 پوائنٹس بنائے ہیں پریکٹیکل تجربے سے. سکسیس سٹوری کس 7 پوائنٹس سے ہوتے ہیں؟